प्रॉपर्टी टैक्स सब सिटीज़ में जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरियाज हैं वहाँ पे लगवाया गया है। आपको मैं एक साझा करूँ कि हमारा वेरी नियर टू दिस वेरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया कंटोनमेंट एरिया है, कंटोनमेंट एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। लेकिन आज जो अनाउंस किया गया है, जो र्यूमर हमारे पब्लिक में चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, मैं उनके लिए, जनता के लिए ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हाउस लगता है, हमारा हाउस में चाहे हमारे इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स हों, अपोजिशन पार्टी के हों या रूलिंग पार्टी या हमारी भारतीय जनता पार्टी के, उस हाउस में पहले डिसीज़न होगा कि क्या आज नेसेसिटी है, क्या प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, जनता इसे एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं। क्योंकि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, काउंसलर्स डिफाइन करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। हाउस में पास होगा तभी हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हाँ, ये लोकल्स जो हमारे काउंसलर हैं वो जनता की आवाज़ हैं, अगर वो उसे यस करते हैं तभी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लगाया जा सकता है। अदरवाइज अगर हाउस उसे पास नहीं करता है तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कोई औचित्य ही नहीं बचता। हाँ, अगर लोग अगर हमें इंदौर अहमदाबाद की तर्ज पे हमारे से डेवलपमेंट डिमांड करते हैं कि हाँ, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनके लिए 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स बनाएं या फर्दर कोई डिवेलपमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया से जो मांगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मांगते हैं, तो हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी सेल्फ सफिशिएंट बने। और सेल्फ सफिशिएंट वो तभी बन सकती है जो भी जितने उसके एसेट्स हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर अगर कोई डेवलपमेंटल चार्जेस अगर वो लगाती है कि फर्दर हमें अपने शहर की डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसमें जनता की पार्टिसिपेशन हमें किस लेवल पे चाहिए, ये अभी फार बियॉन्ड सोच के है। अभी ये नॉमनक्लेचर डिफाइन होगा कि किस बेसिस पे आप जो डेवलपमेंटल चार्जेस हम जनता से अपेक्षा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हाउस में डिसीजन मेकिंग के बाद ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउस जैसे ही लगता है उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या हमारी गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया जम्मू में क्या ये टैक्स लगाने जा रही है या नहीं। आज की प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो आज ये नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी को कंसिडरेशन में लिए हुए, बिना किसी को विश्वास में लिए हुए हम जनता के बीच में डाल दें, ये संभव नहीं।